आज की कहानी है नतमस्तक टेलरिंग का हुनर उसके खून में स्वयं ही आ गया था। अपने पिता की वजह से पर विरासत में मिली गरीबी अब आगे झेली नहीं जा रही थी। पिता ने कभी मुंबई में किसी बड़ी दुकान पर काम किया था, पर गांव के जमीनी झगड़े ने पलट कर उसे गांव से वापस जोड़ दिया और फिर वही थोड़ा है थोड़े की जरूरत है वाली कहानी। गांव छोटा सा है, यहां हुनर की क्या कद्र होती। ऊपर से वही था परिवार में पिता के बाद घर का बड़ा। परिवार में वृद्ध माता पिता, छोटी बहन सहित उसकी पत्नी और दो बच्चे। आखिर उसने हिम्मत बटोरी और सुबह की बस पकड़ वह दिल्ली आ पहुंचा, जहां उसने एक गुरुद्वारे में शरण ली। वहां रहने और खाने के साथ प्यार तो मिला ही, साथ में एक श्रद्धालु के जरिए एक रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पता भी मिल गया। हिम्मत करके आखिर वहां तक पहुंच ही गया। वह उस बड़ी फैक्ट्री बिल्डिंग को देख पहले तो हिचका, फिर साहस बटोर वह मुख्य द्वार से भीतर चला गया। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है सर जी, उसने मैनेजर की कुर्सी पर बैठे उस कुछ भारी बदन वाले सज्जन से पूछा। वह झुका हुआ किसी रजिस्टर पर कुछ दर्ज करने में व्यस्त था। क्या काम जानते हो? मैनेजर के साथ वाले सूट बूट वाले आदमी ने उससे पहले ही उस पर सवाल दागा। जी टेलरिंग। सूट बूट वाला आदमी शायद मालिक था, उसने उसे सर से पाँव तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हारा नाम? जी राजकुमार, राजू कहते हैं। घर परिवार में सभी प्यार से भाई राजकुमार मतलब राजू भाई। पहले तुम्हारी टेलरिंग का इम्तिहान होगा, फिर तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलो, दोगे? जी जरूर, बस सिर्फ यह तो हुनर है अपने पास, राजकुमार ने सूखी आंखों में भरे आत्मविश्वास से कहा। सेठ ने नौकर से कहकर भीतर से एक लहंगा मंगवाया। देखो राजू भाई, यह लहंगा बेहद कीमती है, हमारे एक्सपर्ट टेलर ने इसे सिलने में कुछ ऐसी गलती की है कि इसे पहनते वक्त यह इसका खास डिजाइन साइड की तरफ चला जाता है। क्या तुम इसे खोल कर सेट कर सकते हो? अगर हाँ तो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी मुझे मौका दे, मैं कोशिश कर देखता हूँ। हाँ कर सकते हो तो हाथ लगाना, 2 लाख का लहंगा है। हमारे वाला लहंगा एक्सपर्ट तो अपने हाथ खड़े कर गया। वैसे कितना वक्त लोगे? जी सिलाई खोलकर यही 2 घंटे। ठीक है, अंदर 7 वाले कमरे में मशीन पर बैठ जाओ, पूरे 3 घंटे देता हूँ तुम्हें। ठीक है, राजकुमार ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस लहंगा उठाया और कमरे में मशीन पर जा बैठा। अभी सिर्फ 1 ही घंटा बीता था, वह उस भारी लहंगे को उठाए बाहर निकल आया। क्या हो गया? सेठ ने हैरानी से उसकी तरफ देखते पूछा। जवाब में उसने लहंगा सामने मेज पर ला टिकाया। सेठ ने उसे उलट पलट देखा और फिर पैक करवा कर बाइक पर एक लड़के को उस लहंगे की मालकिन तक पहुंचाने का आदेश दिया। अभी उसने बैठकर उसे दी चाय मट्ठी को खत्म ही किया था कि सेठ को फोन आया कि लहंगे की फिटिंग बिल्कुल सही थी। मोबाइल रखते ही सेठ की आंखों में उसके लिए इज्जत और कद्र बढ़ गई थी। घर कहाँ है आपका राजू भाई? जी मैं तो लुधियाना के साधारण गांव से हूँ, यहाँ गुरुद्वारे में रह रहा हूँ, राजकुमार ने बताया। राजू भाई आप परसों से काम पर आ जाओ, 25,000 महीना और रहने खाने का खर्च भी हमारा होगा, कहो मंजूर है? जी 25,000, इतने में तो अम्मा बाबूजी छुटकी की पढ़ाई घरवाली बच्चों सहित सबका भरण पोषण ठाट बाट से हो जाएगा। शुक्र है प्रभु तुम्हारा, उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। मगर सेठ जी परसों क्यों, आज या कल से ही क्यों नहीं? राजकुमार ने हैरानी से सवाल पूछा। भाई राजकुमार जी ऐसा है कि कल हम अपने पुराने वाले टेलर को जवाब देकर उसका हिसाब कर देंगे, सेठ ने बताया। क्या आप दोनों को नहीं रख सकते? राजकुमार ने सेठ से पूछा। नहीं राजू भाई, हमारे पास एक टेलर की ही जगह है, सेठ ने बताया। फिर तो सेठ जी मेरी राम राम, कुर्सी से उठ खड़े हो, राजकुमार ने कहा। क्यों क्या हुआ राजू भाई? हैरानी से पूछा सेठ ने। मैं रोजगार लेने घर छोड़ निकला हूँ, किसी का छीन कर पाप कमाने नहीं। सेठ जी आखिर घर में जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो उसके भी होगे। अच्छा जी, राम राम। इतना कहा वह गेट खोल झटके से बाहर निकल आया। सेठ और साथ खड़ा मैनेजर भी राजू भाई की खुददारी पर नतमस्तक थे।